ये नाश्ता गर्मियों में आपको एनर्जी देगा क्योंकि इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन है। बहुत ही सेहतमंद है ये, हल्का फुल्का है और इसे आप ठंडा करके भी खा सकते हैं। इसको बनाना आसान है और ब्रेकफास्ट के लिए एक अच्छा ऑप्शन है ये। हेलो एवरीवन, मैं हूँ रश्मि। तो आइए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले दो चीज़ों को हमें पहले से भिगो करके रखना है। तो ये है बादाम, 10 से 12 आप बादाम ले लीजिए, और ये है 2 बड़ा चम्मच पॉपी सीड्स, यानी कि पोस्ता दाना या फिर खसखस भी कहते हैं इसको। भिगोने से इसकी तासीर ठंडी हो जाती है और इसका जो न्यूट्रिशन है वो बॉडी में अच्छे से एब्जॉर्ब होता है। और आपको तो पता ही है कि बादाम हमारे ब्रेन के लिए, हार्ट के लिए, स्किन और ओवरऑल हेल्थ के लिए कितना अच्छा है। और ये जो खसखस है ये हमारे बोन्स को स्ट्रॉन्ग करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है, ये हमारे नर्वस सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है, और अगर स्लीप डिसऑर्डर है तो उसको भी ये ट्रीट करता है। तो अब हमें क्या करना है, दोनों को पीस लेना है, इसका एकदम फाइन पेस्ट बना लेना है। तो बादाम का छिलका मैंने यहाँ पे निकाल दिया है, भिगोने से इसका छिलका आराम से निकल आता है, और दोनों को इस तरह से पीस लेंगे। और आप चाहें तो ये पेस्ट बना करके फ्रिज में 2-3 दिन तक के लिए स्टोर भी कर सकते हैं, और जब भी ये नाश्ता बनाना हो तो इसको तुरंत यूज़ कर लें। उसके बाद कढ़ाई में मैंने डाला है 1 चम्मच देसी घी, और साथ में डाल दिया है 1 कप मखाने, और इसे हमें भून लेना है जब तक ये हल्का सा क्रंची ना हो जाए। और मखानों में होता है खूब सारा कैल्शियम, ये हॉर्मोन्स को बैलेंस करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है, और बेस्ट पार्ट ये है कि ये काफ़ी लाइट होता है, तो आप इसको आराम से कंज्यूम कर सकते हैं। अभी गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं तो इस केस में ये हीट स्ट्रोक से भी बचाता है क्योंकि इसमें बहुत सारा पोटेशियम होता है। तो यहाँ पे मखाने थोड़ा सा क्रंची हो गए हैं, मैंने चेक कर लिया है, उसके बाद एक प्लेट में इसको निकाल लेंगे। उसके बाद कढ़ाई में 1 चम्मच घी डालेंगे, और इसमें हम डालेंगे दलिया, जिसको इंग्लिश में ब्रोकन व्हीट भी कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है 4 बड़ा चम्मच दलिया, ये मीडियम साइज वाला दलिया है। इसको हल्का सा भून करके फिर यूज़ करते हैं ना, तो इसका टेस्ट भी अच्छा आता है और ये जल्दी कुक भी हो जाता है। तो ये सारा इसमें डाल दिया है, लो फ्लेम पर ही लगातार चलाते हुए इसको पका लेंगे थोड़ा सा। तो आप देखेंगे कि इसका कलर हल्का हल्का चेंज होना शुरू हो जाएगा। दलिया में भी खूब सारे मिनरल्स और विटामिन्स होते हैं, ये डाइजेशन के लिए भी अच्छा होता है, और इसको खाने के बाद ना काफ़ी समय तक भूख नहीं लगती है, पेट भरा भरा सा लगता है, तो ये ब्रेकफास्ट के लिए अच्छा ऑप्शन है। तो दलिया जब हल्का सा भुन गया, थोड़ा सा कलर चेंज हो गया, तब मैंने यहाँ पर डाला है 3 कप दूध। तो मैंने यहाँ पर काऊ मिल्क यूज़ किया है, आप पहले से उबला हुआ या कच्चा कोई भी दूध यूज़ कर सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें एक उबाल आने देंगे, और जब इसमें बॉयल आ जाएगा तब हमने जो शुरुआत में जो पेस्ट बनाया था बादाम और खसखस का, उसको इसमें डाल देंगे। इस नाश्ते को आप गर्मा गर्म भी सर्व कर सकते हैं, या फिर बनाने के बाद इसको कुछ देर के लिए फ्रिज में रख दीजिए, ये ठंडा ठंडा भी खाने में बहुत अच्छा लगता है। तो ये सारा पेस्ट मैंने इसमें डाल दिया है, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और फिर इसको मीठा करने के लिए हम इसमें डालेंगे मिश्री। तो मैंने ये धागे वाली मिश्री ली है, ये अनप्रोसेस्ड और अनरिफाइंड होती है, तो चीनी से बेटर ऑप्शन है ये। और मिश्री के घुलने तक इसको मिला लेंगे। तो हमें इसे तब तक पकाना है जब तक कि जो दलिया है वो अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए, और इसको पकने में भी ज़्यादा समय नहीं लगता है क्योंकि दलिया को हमने पहले से थोड़ा सा भून करके लिया है। और धीरे धीरे आप देखेंगे कि ये थोड़ा गाढ़ा होता जाएगा, और इसका टेक्सचर जब इस तरह से हो जाए तब समझिए ये तैयार है, क्योंकि बाद में ठंडा हो जाने के बाद ये थोड़ा सा और गाढ़ा हो जाएगा। तो इस स्टेज पर खुशबू के लिए इसमें डालेंगे इलायची का पाउडर, तो ये डाल दिया है, और साथ में जो मखाना हमने भून करके रखा था उसको भी डाल देंगे। तो ये दोनों डालने के बाद हमें इसे ज़्यादा पकाना नहीं है, बस इसको 1 मिनट के लिए अच्छे से मिक्स करके चला लेंगे, उसके बाद गैस को ऑफ कर देंगे। तो ये बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स से रिच, बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट हमारा बनके तैयार है। आइए इसको सर्व कर लेते हैं। और आपने देखा कि इसको बनाने में भी ज़्यादा समय नहीं लगता है, सभी एज ग्रुप के लोग इसको ले सकते हैं, और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। ऊपर से चाहें तो थोड़े से ड्राई फ्रूट से इसको गार्निश कर सकते हैं। तो रेसिपी को ट्राई करें, और कैसी लगी ये मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताएँ।